आजकल कोई मुझे गिद्दड़ भक्कियाँ और धमकियाँ दे रहे हैं, शायद वो मेरा बैकग्राउंड जानते नहीं हैं। और ये उम्मा है ही ऐसा गजब का कि उनको बाकी लोग बुराइयाँ करते हुए नजर नहीं आते, जो आयते खोल खोल के बुराइयाँ करते हैं, लेकिन उनको ईपी अबू बकर वाली न्यूज़ ऐसा लगता है कि वो नफरत फैलाती है, घृणा फैलाती है। लेकिन ईपी अबू बकर जो बात करता है दुनिया में महिलाओं के बारे में, मैं महिला आयोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोग अपने जन्नत जाने के नाम की वजह से हम महिलाओं पर, क्योंकि तो बात किसी धर्म से या मजहब से रिलेटेड नहीं, आप महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, आप हमारे भारत को तोड़ने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो मेरे लिए बोल रहे हैं, ना तुम अबू बकर के अब्बू हो ना तुम उसके कुछ हो, अगर तुम पर वगैरह हो तो घर में जाके पोछा मारो, और अगर उसके वकील हो तो मेरे वकील से बात करना। ईपी अबू बकर का नाम टाइप करो, पूरा कथा चिट्ठा जाएगा। तेरा जो उम्मा का कंसेप्ट है ना, मैं से डरती नहीं हूँ। तू मेरे खिलाफ क्या बोल रहा है कि रात के 12 बजे वेला जैसा, बिल्कुल वेला, काम वाम कुछ है नहीं, रात के 12 बजे वीडियो ढूंढ रहा होगा कौन सा वीडियो निकल जाए, तो उस वीडियो को ढूंढते हुए तुझे वो वीडियो मिला और तू भूल गया। तू प्राची अधिकारी जो कि राष्ट्रवादी युवा वाहिनी की राष्ट्र प्रवक्ता है, तू उससे बात कर रहा है, ठीक है? कुछ तो हूँ मैं, तू तो कुछ भी नहीं है। तू वो है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में रहते हैं और प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तुम वो लोग हो, समझे? और तुझे मैं देख रही हूँ जो आयते खोल खोल के बोलते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि वो तेरे भाई हैं, जकात देते हैं। सब समझती हूँ मैं, तुम्हारा उम्मा। आज तक तुमने किसी XYZ के खिलाफ मुकदमा नहीं करा है, मेरे खिलाफ करेगा? चल चल मुकदमा कर, और मैं तेरे खिलाफ तेरे वो ईपी अबू बकर जो है ना, जो इतनी बातें करता है, एक मध्य प्रदेश में लिखाऊंगी और एक यूपी में और जितने हमारे राज्य हैं वहां लिखाऊंगी, और गिरफ्तार कर। चल करवा, तेरी इतनी औकात है, चल करवा। जितने न्यूज चैनल है उनके न्यूज चैनल वालों को सबको करवा, तेरी इतनी हैसियत है, चल करवा। यू विल फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट मी द वे यू आर राइटिंग एंड थ्रेटनिंग टू मी, आई विल सू यू। और इतना उल्टा लटका के तेरे को सही करवाऊंगी ना, मेरे खिलाफ अगर फालतू बातें करी। और तू कह रहा है तेरे को सबूत तो, हु आर यू, तेरे को क्यों सबूत? तू तो मेरा डैड है, तू मेरा वकील है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, तू एक कानून के घर से आती हूँ, पूरे घर में मेरे वकील भरे पड़े हैं, तू मुझे कानून बताता है? तुझे क्या लगा मैं तेरी वो चौथी पांचवी वाली हूँ क्या, जिनकी कोई अपनी हैसियत और अपनी गवाही नहीं होती? तेरे को इतना बुरा लग रहा है अबू बकर पे, और जो जमील बोलता है, मौलाना जमील, तुम औरतों को लेकर महिलाओं को लेकर इतनी गंदी बातें करने वाले भत्तर की वजह से तुम ऊपर जाते हो, और तू क्या सोच रहा था कि मैं तेरी बातें सुनकर डर जाऊंगी, सहम जाऊंगी? इतना वक्त नहीं होता मेरे पास फालतू चीजें देखने का, मुझे ऐसे एरो करके किसी ने भेजा तो मैंने देखा। तू कितना वेला आदमी है, तेरे पास कितना टाइम है,